नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिमे स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, आप सभी के चाहते सुपरस्टार का कल एक गाना रिलीज हुआ था खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर और इस पर 1.6 मिलियन व्यूज मिले हैं। लेकिन वो गाना जो है नंबर वन पर, सोचिए नंबर वन पर जो है वो गाना पहुंच गया था मेन सेक्शन में। हालांकि कल ट्रेंड किया, आज कुछ घंटों तक ट्रेंड किया था, लेकिन फाइनली ये गाना जो है अब 3 नंबर पर आ गया है। लेकिन बड़ी बात ये थी कि किसी गाने को अचानक से रिलीज करना और ऑडियो फॉर्मेट रिलीज करना और वो नंबर वन पर आ जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। रिसेंटली इस गाने पर 1.6 मिलियन व्यूज़ हैं और ये गाना 3 नंबर पर अभी भी मेन सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए, ये तो ऑडियो फॉर्मेट हो गया, लेकिन इसका वीडियो फॉर्मेट भी आज जो है अचानक से रिलीज़ किया गया। अचानक से मतलब शाम तक कोई जानकारी नहीं थी, अचानक से रिलीज़ कर दिया गया। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2:54 हो रहे हैं और 2:54 पर इस गाने पर 3 लाख से ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं, यानी कि 3 लाख पीपल जस्ट वॉच इन 3 आवर्स एंड 61,000 से ज़्यादा लाइक्स हैं और कमेंट्स की भी अच्छी खासी पहुँचा रही है। 20,000 से ज़्यादा जो है इस गाने पर कमेंट्स हैं। लेकिन 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 बड़ी बात यह है कि भाई, जिस गाने का ऑडियो सॉन्ग नंबर वन पर ट्रेंड कर जाए उसका वीडियो सॉन्ग क्यों नहीं करेगा? सो वीडियो सॉन्ग भी, मैं बताया ना कि आपको 2:54 पर वीडियो बना रहा हूँ, तो ये गाना जो है 18 नंबर पर, सोचिए 18 नंबर पर म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड करने लगा है। तो ये जलवा है खेसारी लाल यादव का, इसीलिए खेसारी लाल यादव को ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है। ट्रेंडिंग स्टार इट मीन कि भैया गाना ट्रेंडिंग में आएगा, मैक्सिमम गाने आएंगे ट्रेंडिंग में। सो फाइनली ई का करेलू गाने का जो वीडियो सॉन्ग है, दिस वीडियो सॉन्ग ऑल्सो इन नाउ ट्रेंडिंग, माने ये भी ट्रेंडिंग में आ गया है। तो 72,000 से ज़्यादा लाइक्स भी मिल चुके हैं इस गाने पर और बड़ी बात यह है कि 3 लाख से ज़्यादा व्यूज़ और लगातार व्यूज़ जो है मिल रहे हैं। तो ये ट्रेंडिंग में आया था, मुझे लगा एक अपडेट दे देना चाहिए। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा उसका रिव्यूज वीडियोज़ मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और एक सारे का हम भोजपुरी पर भी गाना आने वाला है, तो एक अपडेट था। बाकी आप लोग इस गाने को लेकर अपनी राय बताइए। ठीक है।